जैन साहब हमारे साथ में हैं। सुपारस जी को मैं पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ, धर्म और धार्मिक क्रियाओं और जितने भी हमारे चतुर्मास हो या दूसरी चीज़ें हों। अभी एक फिल्म भी आई थी रीजेंट ऑफ जैन के नाम से, लेगेसी ऑफ जिनेश्वर, उसमें भी आप जुड़े रहे और बहुत ही अच्छी एक जैन समाज की एक ऐसी फिल्म जो सबको देखना चाहिए जब जैसा भी मिल जाए उनको साधन। क्या कुछ करेंगे कि इतने सालों से धर्म की क्या प्रभावना आपके जीवन में क्या है? धर्म की प्रभावना हर किसी की अपनी व्यक्तिगत सोच होती है कि मुझे उसे किस रूप में लेना है, लेकिन मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि धर्म हमेशा रक्षा करता है और धर्म को अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। जितना हो सके धार्मिक अनुष्ठान हो, चाहे प्रवचन हो, चाहे क्रिया हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, उसको आपके पास अगर समय हो सो के बिताना है या कब मार के बिताना है उससे अच्छा है कि उस कार्य में उपस्थित होकर के अपने समय को अच्छा उपयोग करना चाहिए। क्योंकि एक जैन सिद्धांत में मैंने कहावत सुनी है कि कोई भी अच्छी क्रिया सामूहिक रूप से करनी चाहिए, सामूहिक अच्छे कार्य का पुण्य का बंध सामूहिक बहुत अच्छा होता है, सामूहिक पाप का बंध सबसे खराब होता है। अगर कोई सामूहिक पाप जो आज कर रहे हैं, आज आप सुन रहे हो अलग अलग स्थानों पे भी कलकत्ता का केस सुन रहे हो और सुन रहे हो, सामूहिक जो भी दुष्कर्म कर रहे हैं उन लोगों को सामूहिक रूप से ही भुगतना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने जो नवकार जाप का एक सामूहिक अनुष्ठान चालू किया और आपके फोन आने के बाद मैं अभी जुड़ नहीं पाया, इसलिए मुख्यालय देखो संडे को कोई कोई प्रोग्राम रहता है, लेकिन इस सामूहिक अनुष्ठान के लिए सामूहिक ऊर्जा और सामूहिक क्रमबद्ध ये निश्चित रूप से कहीं भी आपको अगले जन्म में या कहीं भी होगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि आज के समय उसको देखो कि आपके सामूहिक एक आपका ग्रुप बन रहा है जो एक कल्याण मित्र के रूप में बन रहा है, अच्छे लोगों का ग्रुप बन रहा है। क्योंकि वहाँ आप नौकार गिनने जाते हो उस समय बैठते हो तो आपकी सबकी भावना अंतरात्मा से शुद्ध रहती है, एक दूसरे के प्रति भाव बनते हैं कि तपेश जी का जीवन भी अच्छा हो, आशीष जी के जो या सकल संघ का, सकल समाज का, सकल विश्व का कल्याण हो, इसी भावना से हम लोग करके आज तक कार्यक्रम में जुटते हैं। तो आदमी को जीवन में यही रहना चाहिए कि मुझे धर्म तो जीवन में जितना आ जाए लेकिन मुझे पाप से, दुष्कर्म से, अधर्म से बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए। जितना प्रयास करोगे उतना अगर कुछ परसेंटेज भी सफलता मिली आपको, आप समझोगे आपके जीवन का